हेलो फ्रेंड्स, आज के 3 टॉपिक्स हैं ये आपके लिए। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट टॉपिक कि आपको नेक्स्ट 10 डेज में क्या मिलने वाला है, ये देखना है आपको। अगर तो चूज़ करना होगा कोई भी एक हर्ड, ब्लू, पर्पल या ब्राउन। अगर आपने ब्लू को चूज़ किया है तो कोई खुशी मिल सकती है आपको नेक्स्ट 10 डेज में, कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी। इसके बाद देखेंगे ब्राउन वाला हर्ट क्या आंसर होगा इसमें। आपको कुछ नहीं मिलेगा नेक्स्ट 10 डेज में, जैसी आपकी लाइफ अभी है वैसी आगे भी रहने वाली है, नो चेंज। पर्पल हर्ट आपका आंसर है प्यार मिलने वाला है आपको, किसी से प्यार, किसी अपने से। सेकंड टॉपिक, जिससे आपको प्यार है क्या उसको किसी और से प्यार है, ये देखने के लिए आपको चूज़ करना है एक्स, वाई या जेड में से एक अल्फ़ाबेट। अगर आपने चूज़ कर लिया है अपने लिए एक्स, तो आपका आंसर होगा ये नहीं, उसको किसी और से प्यार नहीं है। आपसे जितना प्यार है उतना कभी किसी से नहीं हो सकता। इसके बाद आंसर है वाई का, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यस, हो सकता है उसको किसी और से प्यार हो। लास्ट अल्फ़ाबेट है इस टॉपिक का जेड, आंसर देखते हैं इसमें। उसको सिर्फ आपसे प्यार है, किसी और से नहीं है। लास्ट टॉपिक है आपका ये वाला कि जब आप किसी और से बात करते हो तो क्या उसको जेलिसी फील होती है या नहीं। इसके लिए भी आपको नंबर चूज़ करना होगा, 5, 6 या 9 अपना। अगर आपने 5 को चूज़ किया है तो आंसर है आपका ये नो, उसको कोई जेलिसी नहीं होती चाहे आप किसी से भी बात करो। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर देना। 6 नंबर का आंसर है यस, उसको जेलिसी होती है बहुत ज़्यादा जब आप किसी और से बात करते हो। 9 नंबर लास्ट नंबर आंसर होगा आपका, बहुत कम होता है कि उसको जेलिसी हो, कभी होती है जेलिसी तो कभी नहीं होती।